नमस्ते, स्वाभिमानी माँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खिचड़ी बनाएंगे, भोग वाली खिचड़ी, बंगाली स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसी गर्म हो जाएगा। फिर हम इसमें, ये हमारी मूंग दाल है, एक कटोरी हमने मूंग दाल को धो लिया है वाश करके। अब हम इसमें इसे थोड़ा सा सूखा ऐसे ही 5 मिनट लो फ्लेम में भून लेंगे। लो फ्लेम में हमें 5 मिनट मूंग दाल को भून लेना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस ऐसे ही हल्का सा भून लेंगे। ये वाली कटोरी है, इस कटोरी से एक कटोरी मूंग दाल और इसी कटोरी से एक कटोरी चावल लेंगे हम, राइस। गोविंद भोग जो होते हैं ना, वो ले लीजिए, या फिर जीरा राइस ले लीजिए, या फिर बासमती राइस ले लीजिए, इस कटोरी से एक कटोरी। और लो फ्लेम में हम दाल को पहले भून कर निकाल लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम मूंग दाल को प्लेट में निकाल लेते हैं। दाल निकालने के बाद अब हम उसी कढ़ाई में, एक कढ़ाई एक टेबल स्पून हम इसमें सरसों तेल डालेंगे। और ये हमारे दो बड़े बड़े साइज़ में आलू छील कर काट कर कच्चे आलू हैं, इसे पहले हम भून कर निकाल लेते हैं। दो मीडियम साइज़ के आलू हैं, इसे हमें गलाना नहीं है, ऊपर से ऊपर ही हल्का सा इसे रेड लाल करना है। इसे भून कर निकाल लेंगे। दाल को, सूखा मूंग दाल को भूनने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए चावल के साथ पानी में फूलने के लिए रख देंगे। हमारा आलू भुना गया है, अब हम आलू को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू निकालने के बाद अब हम गोभी को फ्राई कर लेते हैं। ये हमारी एक कटोरी गोभी है कटी हुई, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। गोभी को कढ़ाई में ही हमें पका लेना है, और खिचड़ी के सबसे लास्ट में हमें इस गोभी को उसमें डालेंगे, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो ये बड़े बड़े साइज़ के हमें दिखाई नहीं देंगे और ये पूरी अच्छे से गल जाएंगे। तो इसीलिए गोभी को हमें कढ़ाई में ही अच्छे से पका लेना है। और जो जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे ना, भुने थे ना, उसी में, उसी तेल में हम, जो हमारा तेल बचा था उसी में हम गोभी को डालकर फ्राई कर रहे हैं। हमारी गोभी हो गई है, अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गोभी निकालने के बाद हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, सरसों तेल, और थोड़ा सा जीरा, तेजपात, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 दालचीनी, हरी इलायची, ये थोड़े से अदरक हैं आदि, ये और जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे हम, अब हम इस मसाले को इसमें डाल देंगे। और अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसे हम भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसे भी मिक्स करेंगे और हम 5 मिनट तक लो फ्लेम में इसे पकाएंगे। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें मूंग दाल और चावल जो हमने आधे घंटे के लिए फूलने दिए थे वो इसमें डाल देंगे। और हम इसे मीडियम फ्लेम में तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी पूरा सोख ना ले। दाल चावल को पानी सूखने तक हमें मीडियम फ्लेम में भुनना है। दाल चावल हमारा भुना गया है, हमने इसे भून लिया है और पानी सारे सोख लिए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने दाल चावल लिए थे ना, उसी कटोरी से 4 कटोरी हमें इसमें पानी डालना है। हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और 1 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। और हम इसमें जो हमने 2 आलू जो पीसेस में काट के भून के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे।
5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हम इसे ढक कर पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला, हमारी भूंजी हुई गोभी जो थी वो गोभी डाल देंगे, और हम इसमें फिर से 2 कटोरी पानी डालेंगे। फिर से हम 5 मिनट इसे ढककर मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम थोड़ी चेक कर लेते हैं। अभी नहीं हुआ है, अभी हम इसे 10 मिनट और मीडियम फ्लेम में ढक करके पकाएंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं, हमारा खिचड़ी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। हमारी भोग वाली खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बाय बाय।